अब मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी, अब मैं काव्या को लेके जाऊंगी भाई, कल काव्या को लेके चलेंगे ठीक है। मेरी ड्राइंग कैसी थी? फैंटास्टिक। मैं कर रही हूँ सफाई और ये दोनों ले रही है मजे यहाँ खड़े होके, और वीडियो बनाते हुए पड़ जाएगी मेरी डांट, तो इसलिए इसे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग, और अब उठे हम, सो गए। कितने बज गए मनीष? 8:30 बज गए हैं, पूरी रात को है। रात को काव्या रो रही थी 11:30 बजे अपने पापा के लिए, और आज है मनीष का बर्थडे, तो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू मनीष। थैंक यू डी। आज दावत है मनीष के यहाँ, और अब जाके देखते हैं हम अपने रूम को, रूम की कर ले साफ सफाई, क्योंकि काव्या कल बहुत रो रही थी, मम्मा रूम साफ करो रूम साफ करो। तो अभी मेरे पास 1 घंटा है, तो शायद मैं 1 घंटे में कर पाऊंगी, तो जितना होगा उतना करते हैं, और गर्म पानी खत्म हो जाए फिर चलते हैं रूम साफ करने। 8:30 बजे भाभी गुड मॉर्निंग। अरे भाभी इतनी नींद, मतलब ऐसे हो रहा था, मन नहीं कर रहा था अभी उठने का, फिर उठ गई मन का। चलो काव्या रोती है, रूम साफ करो रूम साफ करो। तराई वाला क्षेत्र है, तो देखो हर चीज पे फूई लगी हुई है। ये देखो ये मटकी थी मेरे पास, इस पे देखो ये सारी फूई है, और ज़्यादातर चीज़ों पे फूई लगी हुई है। ये मेरी लकड़ी की मेज थी, ये देखो इस पे फूई लगी है इस तरीके से, तो सारी चीज़ें सीलन की वजह से ख़राब हो रही हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, पहले मैं कर लेती हूँ सफाई, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी, तब मिलूंगी, क्योंकि वीडियो भी बनाते हुए नहीं बन रहा है। सब कबाड़ मैंने निकाल दिया, इसे मैं उठा के रखूँगी, और सबसे ज़्यादा बेकार हो गई है मेरी ये गैस, ये देखो ये टूट गया है। अनुराधा अरे साफ हो गया क्या यार? देखो गैस का कितना चूहों ने वो कर दिया, ये सब निकल गया, और देखो ये वाला जो पाइप है ना, ये तो नहीं दिया, हाँ दिया। ये काट दिया, ये रहा यार। गैस में से बिल्कुल अलग, इससे अच्छा तो इसमें डाल देती बक्से में। अब मुझे क्या पता था हम इसमें रखे हुए इतना नुकसान कर देंगे। हाँ है ना, दो महीने से बंद, चूहा बड़े बड़े हैं, सब अलग हो गया। मैं अभी इसको उठा के साफ कर रही थी, ये सब अलग बिल्कुल एकदम। बहुत दिन के बाद चला है, ऊपर खाली जाला लगा है। सेफ साफ हो गई, इसके ऊपर कर दिया, वो भी कर दिया, सब हो गया, बस झाड़ू लगानी बाकी है। काव्या के लिए रूम तैयार हो गया, 1.5 महीने का मजा मजा डेढ़ नहीं 2 महीने का मजा। हाँ 2 महीने का हो, अब 1.5 महीने हो गया। कमरा रूम दीदी का एकदम से कबाड़ा, उसको कर रही है साफ। अब साफ सफाई में लगी है बेचारी 2 घंटे से, बताओ कितनी परेशान हो रही है मेरी प्यारी दीदी। हमारे यार ना दे फोटो ना दे, बस आवाज दे, आवाज दे दो फोटो हमरी दे दो, सब नीचे दिखाओ, देखो कितना कबाड़ा हो रहा है वो। हाँ आंटी की गैस हो चुकी है खराब, क्यों ने कर दिए बर्बाद। देखो पाइप मेरा सब उड़ा, सारा पाइप लगे हो रही है गैस सिलेंडर की हालत देखो। और साथ में सफाई करके बहुत खराब लग रहा है, क्योंकि मुझे जाना है अभी ड्यूटी, मेरा टाइम हो रहा है ट्रेनिंग का, और मैं यहाँ सफाई में लगी हूँ, और अभी
मुझे बाल भी धोने हैं, पता है बाल धोने हैं। दीदी के पास सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, 15 मिनट में इन्हें नहाना भी है और झाड़ू भी तैयार भी होना है, झाड़ू भी करना, पोछा भी करना, सब कर देना। इसको आज फिर ऐसे बंद कर देना, आज और लेट ऐसे पड़े रहने दो, कल सारा और क्या, धीरे धीरे करो, मतलब इस रूम को ऐसे ही बंद कर दो, ऐसे बंद कर दो, ऐसे काव्या आएगी फिर इसमें, खुलवा के नहीं आएगी, मेरा रूम और देख के भाग जाएगी, नहीं भागेगी यार वो। चलो देखो मेरा पंखा साफ हो गया, सगुन देखो बढ़िया हो गया, बिल्कुल एकदम चमक गया, इतना चमक गया, सकल देख लो अपनी इसमें, मेरी तो दिख रही है। हाँ तो अब चमकने लगा वास्तव में, देखो ना। चलो भैया ये भी हो गया साफ, हम मैं जल्दी से दीदी अपने गद्दे जो है बाहर डाल दो, धूप में डलवा दे, हाँ एक होर्डिंग पे अपनी डाल दो, एक छत पे डाल दो, क्या छत पे डाल दो, इस समय तो अच्छा साफ है सारी, दो गद्दे डल जाएंगे छत पे और एक ये, तीन गद्दे हैं, तीन तो एक फोल्डिंग पे डाल दो ना बाहर, सबकी गैस निकल जाए। आंटी की सफाई करते हुए हालत हो रही है खराब, पसीने से सारा भीग गई, अपनी की दिखा दो किसी को, दिखाओ मुझे, दिखाओ तुम, मैं कर रही हूँ सफाई और ये दोनों ले रही है मजे यहाँ खड़े होके, और ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, और बता रही है मुझे और मेरी हालत दिखा रही है, हालत तो मेरी खराब है, लेकिन मेरे पास अब टाइम नहीं है, वीडियो करते हैं बंद और जब मैं आऊंगी तब दिखाऊंगी आपको कैसा साफ हुआ कैसा नहीं हुआ, क्योंकि अब मुझे जाना है, अगर वहां बना पाई वीडियो चोरी चोरी नहीं तो मेरी डांट पड़ जाएगी वहां पर वीडियो बनाते हुए पड़ जाएगी मेरी डांट, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा अगर बनेगा तो बनाऊंगी, नहीं तो नहीं बनाऊंगी। और ये झाड़ू अपनी बेड साफ कर रही है, चप्पल इधर नहीं पहनने वाला कोई नहीं, चप्पल ये मैंने इसमें भर के रख दी थी, चप्पल रखने का जुगाड़ देखो तुम, मैंने किसे रखी हुई है यार, ये मुझसे अब अकेले नहीं खिसकेगा, मुझे हेल्प की जरूरत है, मनीष कौन आया, सिखा सिखा थोड़ी सी हेल्प कर देना इसे ऐसे करके, जोर लगा के थोड़ा सा बस बस सिखा के, रात में इसमें हम लोग डेरा डालेंगे, ये वाला साफ रहा, ये अंकल जी का सामान है तभी साफ बनेगा, हमको दे गए ना तेरे बजट में करेक्ट था, ये कपड़ो गिरा मत देना, बस बच्ची गिराएंगे नहीं, हमारे जीजा जी की चीज है, बस जीजा जी कहेंगे हमारी, ए लाओ ये तो ऐसे निकला रखे इस पे, हटाया से पर दीदी ना रखे, बिल्ली को तो बिल्ली कमरे में थोड़ी ना है, आंटी कमरे में बैठा कर डरते हैं, रुका रात में आंटी के कमरे में आने से सब डरते हैं, क्यों भाई ये फ्रिज की रही हालत भाई साहब, देख लो आवाज कैसे काटूंगी, चलो कोई नहीं, देखो भैया जो अल्लाह के हमारे कायल कर लगा बात दिख दी कह रहे हैं, सब चीज की हालत यार इतनी खराब हो गई है, क्या ये रहा भैया इतना गंदा पानी पोछा, अब दीदी का रूम हो रहा है साफ एकदम, बहुत अच्छा हो गया है, अब काव्या खुश हो जाएगी एकदम से अपना रूम देख के, कल से परेशान है वो कमरे के लिए, उफ मेरा रूम हुआ अब साफ, और 10:30 बज रहे हैं, मैं जल्दी से बस नहा के जा रही हूँ, देखो काव्या आ गई है, अर्पित आ गया है, ये गद्दे मैंने सुखा दिए ऊपर, फ्रिज व्रिज सब साफ हो गए हैं, जो धोने का ये सब मैंने साफ कर दिया, ये भी सब साफ हो गया, पुट्टी भैया कह रहे थे फर्स्ट टाइम पुट्टी करवाई लेकिन वो भी बेकार हो गई, गैस चूल्हा मेरा हो गया बेकार, और खोल के देखो मैं आपको, एक यहाँ तराई वाला क्षेत्र है तो मैंने कंघा इसमें रखा था सेफ में, तो कंघे पे भी ये देखो कंघे पे भी फूई लगी है, अभी नहीं जाओगी तुम, तो फ्रेंड्स मैं हो गई तैयार, और ये देखो, और मैं जल्दी से कुछ खा लेती हूँ क्योंकि ट्रेनिंग वाला नाश्ता तो हो गया होगा खत्म, और रूम मेरा साफ हो गया है, और जितना भी मेरा सामान था सब मैंने बाहर जो भी रखा है बाहर आके साफ करूंगी, अब तो नहीं है इतना टाइम साफ करने का, लेकिन रूम मेरा बिल्कुल साफ हो गया है, साफ सुथरा सा हो गया, तो आज नाश्ते में है ये और इसके साथ है चाय, मेरे लिए बनाए थे लेकिन मैं काम में लगी थी तो मैंने खा, कोई बात नहीं ठंडे हो जाने दो, मैं ठंडे ही खा लूंगी, तो आज पकौड़ी, और यहाँ पे ये स्पेशल मिर्चे होते हैं लखीमपुर साइड में, ये बड़े बड़े मिर्चे होते हैं जिसकी पकौड़ी बनाई जाती है, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, तो एक खा लेती हूँ मैं और जल्दी से जाती हूँ क्योंकि वहाँ का नाश्ता तो हो गया होगा खत्म, तो ठीक है मैं खा लेती हूँ फिर निकलती हूँ।
तो ट्रेनिंग में हम सबको बांटा गया था 5 ग्रुप में और 4 ग्रुप के चार्ट मैंने ड्राइंग की थी, बाकी लिखा सबने था। ये हमारा है, ये इन सर का है। अभी आप पहले इसे कंप्लीट तो करो, कंप्लीट करके मुझे दे दो। मैम दिखाना इधर, कोई नहीं बात। और ये है लंच में आज का खाना, नाश्ता और खाना यही हम सबको ट्रेनिंग में मिलता है। सबसे पहले शुरुआत आपकी करूंगी, आज आपका ट्रेनिंग का लास्ट दिन है, तो 2 रूम में ट्रेनिंग हो रही है, एक हमारा है और एक मैंने अभी आपको दिखाया। आपकी हेलमेट लगा के बीआरसी पे क्या कर रहे हैं आप, जानकारी दे रहे हैं। सीख लेना। कहाँ गए, बाहर आके खड़े हो गए मुझे छोड़ के। सर नमस्ते। चलो चलो, आज के लिए हमारे पास वीडियो थी नहीं, तो आज हमने यहीं पे कंप्लीट कर लिया और हम इसे फटाफट एडिट करके डाल देंगे, क्योंकि एडिट करने का टाइम भी नहीं है। बताइए बढ़िया, आज की बताओ मेरी ड्राइंग कैसी थी? फंटास्टिक। कितने 5 ग्रुप बने थे और 5 में से 4 चार्ट मैंने बनाए थे, लिखा नहीं था मैंने, सिर्फ ड्राइंग बनाई थी। काव्या, काव्या बताओ मैं कहाँ गई थी? मुझे ढूंढ रही थी। हाँ। अरे सॉरी बच्चा, पैदल गई थी, वो छुट्टी से नहीं गई थी, मैं पैदल। मुझे भी जाना था आपके साथ। मेरे साथ जाना था आपको? हाँ। ठीक है मैं कल लेके चलूंगी। अभी कैसे चलूं? अब तो छुट्टी हो गई वहाँ पे, अब मैं कल आपको लेके चलूंगी, ठीक है आप रहो। अभी कैसे चलूं? अरे मेरा बच्चा, मैं तो आपके लिए रूम साफ करके गई थी, आपने बोला था कि मैं यहाँ खेलूंगी। अब आइसक्रीम खाऊंगी तो चलो मैं आइसक्रीम खिला रही हूँ, चुप तो हो जाओ। ओले 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 मिला छोटा जब बेबू। अरे मेरा काव्या, अब मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी, अब मैं काव्या को लेके जाऊंगी भाई, कल काव्या को लेके चलेंगे, ठीक है। तो मैंने हाथ मुंह धो लिया और एक बार काव्या ने बहुत रूम गंदा किया था तो झाड़ू लगा लिया, सफाई कर दिया है, काव्या के हाथ मुंह धो दिए, कपड़े चेंज कर दिए। यू है ये, यू। और देखो कह रही है मैं लेटूंगी तो मेरे खिलौने भी साथ में लेटेंगे, और मैं और काव्या अब थोड़ी देर लेटेंगे। फाइनली अपना बिस्तर मिल गया लेटने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा, लेकिन साफ साफ रूम में। काव्या रात बहुत रोई थी अपने पापा के लिए भी और रूम के लिए भी, कि मुझे रूम में ही सोना है। तो है काव्या के खिलौने और अब हम आराम करेंगे थोड़ी देर। मैं ब्लॉग एडिट करूंगी, ब्लॉग एडिट करके डालूंगी, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिला है कि ब्लॉग एडिट करके डाल सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बड़ी हो गई हो अब काव्या, बहुत बड़ी हो गई है, पापा तो है नहीं, तो मुझे कह रही है आपको खाना पसंद है या सब्जी, में वही बना के खिलाऊंगी। और ये रोचक ले आया चाय, तो चाय पियेंगे क्योंकि सर में हो रहा है बहुत तेज दर्द। काव्या भी पियेगी, तू भी खेलेंगे।
तू भी कहते भाई को। दिखा दिया मैंने चाय, ये रही काव्या की चाय, और आ जाएगी चाय, काव्या पिएगी तू तो। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।